हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति। तो कैसे हैं आप लोग सभी, जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अनाउंसमेंट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस वीडियो में क्या है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करोगे ना, आपका ही नुकसान होगा। और आप इस वीडियो को जैसे फुल वॉच नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। इसीलिए मैंने सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दिया है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, तो आपको आगे पता चलेगा। उसके पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये है 5 लेयर क्लॉथ हैंगर और आप इसका ना मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ मैं आपको करके दिखाने वाली, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसमें ना, जैसे आपकी जो साड़ियाँ होती है डेली यूज़ के लिए, या फिर आप जैसे जो भी साड़ियाँ होती है आप इसमें रख सकते हो, ईजिली रख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको हैंग करके दिखाने वाली हूँ। और यहाँ तक बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो भी आप इसमें हैंग कर सकते हो। शर्ट, पैंट, टी शर्ट और ब्लाउज़ लेकर पेटीकोट, हर जैसे अपना चीज़ें इसमें जो भी क्लॉथ वगैरह होते हैं वो आप इसमें हैंग कर सकते हैं। साड़ी भी बहुत इजीली हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, ये जो मैंने हैंगर ख़रीदा है, ये है मीन्स कि मैंने बुलबुल से लिया है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 249 रुपीज़ है, बट डील ऑफ द प्रोडक्ट इसका जो प्राइस है वो है 199 रुपीज़ है। अगर आप इसे 24 घंटे के अंदर इसे परचेस करते हो तो आपको ये पड़ेगा 199 रुपीज़ में, इसको आप परचेस कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरा लिंक, तो आप वहां जाकर परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपको कैसा लगा है हैंगर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम हाउसवाइफ के लिए ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो कि एक होता है ना कि ज़्यादा जो स्पेस होता है, वैसे भी हमारे यहाँ पर जब बच्चे रहते हैं, हम रहते हैं, तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, जगह नहीं रहती। दोस्तों, मैं आपके साथ और एक ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूँ, जो कि है वॉल माउंट फॉर क्लियर विंडोज़ पॉकेट। मीन्स कि इसमें 4 पॉकेट बने हुए हैं। तो इसका यूज़ आप जो भी छोटे छोटे कपड़े होते हैं, जैसे कि बच्चों के, मैं बता देती हूँ, बच्चे या चाहे आपके भी, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि छोटे छोटे जो बच्चे के कपड़े होते हैं, टी शर्ट, पैंट, सॉक्स, नैपकिन, यहाँ तक आप टॉयज़ और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। चाहे आपके कपड़े हो, चाहे आपके ब्लाउज़ रखिए, चाहे आपके पेटीकोट रखिए, चाहे आप अंडरगारमेंट्स वगैरह भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, इंडिया में बना हुआ, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इसे वॉश कर सकते हो, मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो। और इसमें ऐसे एक ट्रांसपेरेंट एक विंडो जैसे लगी हुई है, जैसे कि यहाँ पर एक पार्टीशन का है, आप वो निकाल भी सकते हो और चाहे तो आप उसको रख भी सकते हो। पार्टीशन का आप निकाल लोगे तो आपको ये पता रहेगा कि इसमें आपने क्या क्या रखा हुआ है। तो दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो है 379 रुपीज़ है। तो आप इसे भी परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छा है, वॉशेबल है। और एक बार ज़रूर आप परचेस करके देखिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें रखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर मैं रख दूँगी तो इजीली मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ रहेगी तो उसमें ना मैं रख दूँगी। और मेरा जो घर है वो अच्छा साफ़ सुथरा भी दिखेगा, क्योंकि इधर उधर फैला नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैंने लॉन्ड्री बैग परचेस की है। और जैसे कि आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को पता होता है कि नहीं, इसका यूज़ कपड़े रखने के लिए होता है, बट इसका यूज़ आप टॉयज़ वगैरह भी रखने के लिए कर सकते हो। अभी तो मैं यहाँ पर फिलहाल कपड़े रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कपड़े इतने सारे रहते हैं ना, इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन लेने के बाद भी इतने सारे कपड़े देते हैं, फिर भी।
इसका जो प्राइस है वो है 320 रुपीज़ है। तो मैं देख लेती हूँ फोल्ड होगा कि नहीं होगा, बट मैंने सोचा कि रहने दो, अभी फोल्ड नहीं करती, इतना ही मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है क्योंकि बैग थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। तो हर साइज़ के बैग आपको अवेलेबल मिल जाएंगे बुलबुल पर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी साइज़ चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस बास्केट में रखने से प्लांट कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ से शॉपिंग करते हो तो कैश ऑन डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी है, 5 दिन के अंदर आप रिटर्न कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। और जो भी डाउट है आप यहाँ पर है ना व्हाट्सएप पर क्लियर भी कर सकते हो, मीन्स इजीली आप बहुत अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। और ऐसी फैसिलिटी मुझे नहीं लगता है कि सब यहाँ पर होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसको लेना चाहते हो, आपको शॉपिंग अच्छी लगी होगी या फिर इनमें से कोई भी चीज़ अच्छी लगी होगी, तो इसकी जो लिंक है, मेरा लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हो। या फिर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता है कि कहाँ होता है, तो मैं लिंक को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आपको कमेंट सेक्शन पता ही होगा, तो वहाँ पर भी पिन कर दूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हो, चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आ जाइए आप लोग भी हीटर के पास हाथ गर्म करने के लिए, पता है बहुत ज़्यादा ठंड है और आजकल ना बहुत ज़्यादा ही ठंड होने लगी। पता है पिछले साल तो इतनी नहीं थी ठंड, बट इस साल तो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए हीटर ऑन कर लिया है, बस हीटर को चलाते रहते हैं और हाथ सेकना, रूम गर्म हो जाता है। और यीशु पता नहीं क्या कर रही है, इतने हेडेक हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा ठंडी के कारण, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। पता नहीं क्यों तो ऐसा लग रहा है कि सो जाऊँ, बट अभी मैं सो नहीं सकती क्योंकि जब तक ईशु नहीं सोएगी तब तक मैं भी नहीं सो सकूँगी। और ईशु क्या कर रही है, ईशु क्या कर रही है, ईशु मत मुँह में डाला, मनी कैसे करती है, ए खाना पड़ देगी इसको। देखो खा रही है, अभी खा रही है, मैं डांटूंगी तो लोग क्या बोलेंगे कि डांटती है, पता है तोड़ दिया कैसा क्या था, जो भी है तोड़ दिया तो ठीक है, बट खा रही है। ऐसी चीज़ें मतलब ऐसी हरकतें करती रहती हैं। इसको रोना आ रहा है, देखिए मैडम को। अभी मुझे हेयर ऑयलिंग करना है, काफ़ी दिन हो गए मैंने हेयर ऑयलिंग नहीं की, बट मेरा मन पता है ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँ और आधा मन ऐसा हो रहा है कि हेयर ऑयलिंग कर लूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, कन्फ्यूज। ईशु मिल्क लाई हो ना बेटा, हाँ दे रही हूँ बेटा, ये है, ये ईशु का है, मम्मा, हाँ ये ईशु का है और ये मम्मा का है। ओ मेरा अलग गर्म है, तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। और आज का ब्लॉग जैसा भी होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी मैंने चीज़ें परचेस की हैं तो बुलबुल से परचेस की, अगर आप लेना चाहते हो तो इस उसकी जो लिंक है मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेरा लिंक, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और यूज़फुल है, तो आप ज़रूर एक बार क्लिक करके देखे भी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि बुलबुल की क्वालिटी कैसी होती है, क्या होता है, क्योंकि आप अदर इससे तो परचेस करते ही होंगे, बट एक बार इससे भी शॉपिंग करके देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हाँ कि कैसी क्वालिटी होती है, क्या होता है यहाँ पर, प्रोडक्ट वगैरह कैसा मिलता है। जब तक आप जैसे शॉपिंग वगैरह नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए, मिलती हूँ ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सुने दिखाई दे रही है, बाय।